हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं करनाल में एक विवाहिता की मौत मामले को लेकर के अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी हैं कि आखिर कैसे एक विवाहिता की मौत हो जाती है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कई यहां पर सवाल खड़े कर रही है। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग करते हुए विवाहिता के साथ कई बार मारपीट भी की थी। उनका आरोप है कि उन्होंने दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक बरसालू गांव के रहने वाली गीता की शादी शेखपुरा में हुई थी और युवती को बार बार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अब पूरी कार्रवाई क्या हो, जिन जो ऐसी हत्या करी है, इतना जुल्म कर, उनको कौन कौन लोग हैं शामिल इसमें? इसकी सासू है, सौरा है, एक मालिक है जी, जिन्होंने मारी है। ननदा भी तंग करे गए थे, पहले भी तंग करते थे, पहले शुरू से तंग कर रहे थे यार, दो साल से। अच्छा, बच्चे भी हैं? लड़की, दो बच्चे हैं जी। इन्होंने मैसेज दिया था कि लड़की को गर्मी की वजह से दिक्कत है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ वहाँ पे गए तो ग्रोंडा से उसको रेफर कर दिया करनाल। अच्छा, और करनाल आके पता लगे कि वो तो रित घोषित हो चुकी है। उस लड़की के यहाँ गढ़ पे निशान है। चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, सास ससुर पति पति और नंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोई गिरफ्तारी? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, कार्रवाई।